जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 परम पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की परम पूज मुनिवर श्री विराट सागर जी महाराज की जय 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 मुनि संघ की जय। एक स्थान पर एक मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था। सैकड़ों मजदूर निर्माण की प्रक्रिया में जुटे थे। इसी मध्य किसी संत का उधर से गुजरना हुआ और उन्होंने पत्थर तोड़ते हुए एक मजदूर के पास जाकर के पूछा, भाई क्या कर रहे हो, भाई क्या कर रहे हो। उसने संत को बड़ी बेरुखी से देखा और कहा, दिखता नहीं, अंधे हो क्या, पत्थर तोड़ रहा। संत मुस्कुराकर आगे बढ़ गए, थोड़े आगे चले और वही काम करते हुए एक दूसरे मजदूर के पास पहुंचे। उसके पास खड़े होकर के पूछा, भाई क्या कर रहे हो। उसने बड़ी मायूसी के साथ संत को देखा और बेबसी और लाचारी भरे शब्दों में कहा, पेट पाल रहा। संत मुस्कुराकर आगे बढ़ गए और थोड़े आगे बढ़ने पर उन्हें एक तीसरा मजदूर वही काम करता हुआ दिखा, जो काम करते करते मुख से कुछ गीत भी गुनगुना रहा था। उसके मुद्रा में बड़ी प्रसन्नता झलक रही थी। संत उसके निकट पहुंच करके पूछे कि भैया क्या कर रहे हो। भाव विभोर होकर उसने कहा, मंदिर बना रहा हूं, भगवान का मंदिर बना रहा हूं। क्रिया एक है, दृष्टि अलग अलग है। यथार्थ देखा जाए तो तीनों ही मंदिर बनाने की प्रक्रिया में लगे थे, लेकिन एक पत्थर तोड़ रहा था, दूसरा पेट पाल रहा था और तीसरा मंदिर बना रहा था। हम आप सबको जीवन मिला है, हम जीवन जी रहे हैं, सभी अपने अपने तरीके से जी रहे हैं, पर थोड़ा हमें थम कर विचार करके देखने की जरूरत है कि हम कैसे जी रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम पत्थर तोड़ने की तरह जी रहे हैं या केवल गुजारे के लिए जिंदगी गुजार रहे हैं, या हमारे भीतर किसी मंदिर का निर्माण हो रहा है। कहाँ हैं हम, ये हमें विचारना है। मैं मान के चल रहा हूं सनावत के सब लोग तो मंदिर ही बना रहे हैं, है ना। यह प्रवचन आप लोगों के लिए नहीं है, और लोगों के लिए। बंधुओं, हर मनुष्य का जीवन उसकी सोच के ऊपर अवलंबित है। संसार में अनेक लोग होते हैं और सबकी अपने अपने तरीके की सोच होती है, सबके अपने अपने सोच के अनुरूप परिणाम भी निकलते हैं। मेरे देखे चार प्रकार की सोच लोगों की है और आज मैं उसी सोच से अपनी बात की शुरुआत कर रहा हूं। आज की चार बातें इसी चार सोच में। सबसे पहले स्तर की सोच है जिसे हम कहते हैं भौतिक सोच। भौतिक सोच,
दुनिया में भौतिक सोच से भरे लोगों की बहुलता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका एक ही मकसद है, खाओ पियो मौज करो। जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लो पर घी पियो। ये कंसेप्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उन्हें केवल अपने हितों से मतलब है, औरों से उन्हें कोई लेना देना नहीं। ऐसे लोगों का एक ही लक्ष्य है, वह है पदार्थ और पदार्थ जन्य भोग। ऐसे लोग अपनी भोग वांछा की मृग तृष्णा में दौड़ दौड़ कर अपने जीवन को समाप्त कर डालते हैं। इनके अंदर की लालसा अंतहीन होती है, वे कभी सुखी नहीं हो सकते। भौतिक सोच के धनी समृद्ध हो सकते हैं, सुखी नहीं हो सकते। समृद्ध होना और सुखी होना दोनों अलग अलग बातें हैं। समृद्ध वो है जिसके पास धन संपत्ति और संसाधन है, और सुखी वो है जिसके अंतरंग में संतुष्टि है। भौतिक सोच मनुष्य को कभी सुखी होने ही नहीं देती, क्योंकि उसके पास सब कुछ होगा पर संतोष नहीं होगा। वो उसे भोगवादी बनाती है, और भोगवादी सोच उसकी प्रवृत्ति को आपाधापी से जोड़ देती है। अपने मन को टटोल कर देखना कि तुम्हारी सोच कैसी है। भौतिक है तो अभी बहुत नीचे के लेवल पर हो। दूसरे नंबर की सोच है व्यापारिक सोच। व्यापारिक सोच मतलब जोड़ घटाओं में लगे रहना। कुछ लोग बड़े कैलकुलेटिव होते हैं, हर चीज में नफा नुकसान देखते हैं। ऐसे लोगों का जोड़ घटाव चलता रहता है। वे अर्थतः संपन्न हो सकते हैं पर परमार्थतः संतुष्ट नहीं हो सकते। अपनी सोच को टटोल करके देखिए, कहीं मैं पूरी तरह से व्यापारिक तो नहीं बन गया। हाँ, व्यापार चलाने के लिए व्यापारिक सोच उपयोगी हो सकती है भी, पर वही सोच यदि परिवार और समाज में आ जाए तो मामला गड़बड़ है। जीवन के हर क्षेत्र में व्यापारिक बन जाओगे तो जीवन को समुन्नत नहीं कर पाओगे। जब तक आप व्यापार में हो, जिनके साथ व्यापारिक डील है उनके साथ कैलकुलेशन करना ठीक समझ में आता है, लेकिन हर बात को नहीं। अपनी सोच को टटोल कर देखना है। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति है धार्मिक। एक स्थान की बात है, वहां बोलियां हुई, पांच में से चार बोली एक ही परिवार ने ले ली, और बोली भी आयोजकों के उम्मीद से ज्यादा लगी। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद मैंने वहाँ के प्रमुख से कहा, भैया आज तो तुम्हारा काम तुम्हारी आशा से अच्छा हो गया। बोला, महाराज हो तो गया पर पाँच साल बाद होगा। पाँच साल बाद होगा? मैंने कहा, क्या मतलब? बोला, महाराज ये आदमी मूल कभी नहीं देता, ब्याज देता, आज इतनी रकम ब्याज पे चढ़ाएगा, पाँच साल बाद जब पैसा आएगा तब देगा। हालांकि मैंने इसे भी सकारात्मकता से लिया कि कम से कम ब्याज को तो परमार्थ में लगा रहा है, लोग तो ब्याज को भी मूल में जोड़ करके बढ़ाते रहते हैं। लेकिन ये एक कैलकुलेटिव सोच है, जो हर बात को जोड़ घटाव से देखते हैं। ध्यान रखना, घर परिवार जोड़ घटाव से नहीं चलता, व्यापार जोड़ घटाव से चलता है, और जीवन जोड़ घटाव से नहीं चलता। जीवन तो उसूलों से चलता है, भावनाओं से चलता है,
जिसकी हमारे जिंदगी में सबसे ज्यादा उपयोगिता और प्रासंगिकता है। ये दूसरे नंबर की सोच है। कैसी सोच है? जो आपको देखने की जरूरत है। व्यक्ति के सोच ही उसके जीवन स्तर को चढ़ाता गिराता है। मैं जब पढ़ता था तो जिनके यहाँ ट्यूशन पढ़ता था उनने अपने घर के बाहर शीशम के 3 पेड़ लगाए। पेड़ 7-8 फीट ऊंचे हो चुके थे। एक दिन उनने हम लोगों की सोच टटोलने के लिए पूछा, ये बताओ 20 साल बाद इन पेड़ों की क्या स्थिति होगी। मेरे साथ के बच्चों ने अलग अलग उत्तर दिया। सब ने कहा 20 साल बाद ये पेड़ लाख लाख रुपए के हो जाएंगे। कईयों ने बोला आपके घर में बहुत छाया होगी। एक ने कहा कि इतना बड़ा पेड़ हो जाएगा कि उसकी गंदगी नीचे हट पड़ेगी, पत्ते और फूल फल नीचे झड़ेंगे। मैं उस समय 7वीं क्लास में पढ़ता था। जब सब बोल लिए उनने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा सर 20 साल बाद ये पेड़ पूरे इलाके की शान बढ़ेगा और अपनी छाया से सबको आनंद देगा और ऑक्सीजन देकर पूरे पर्यावरण को शुद्ध करेगा। एक दृष्टिकोण पेड़ के प्रति ये है और एक दृष्टिकोण है कि 20 साल में ये पेड़ इतना बड़ा होगा, इससे इतनी इमारती लकड़ी निकलेगी, इतना बड़ा लाभ होगा। दृष्टिकोण तो दोनों अपना अपना है। मेरे इस उत्तर से वो बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा ऐसी सोच बहुत कम लोगों की होती है, सोच तुम्हें आगे बढ़ाएगी। उस समय ना मुझे पता था ना उन्हें पता था, लेकिन ये बात सच है, मनुष्य की सोच ही उसके जीवन को ऊंचा उठाती है। आपकी सोच कैसी है? हर चीज में व्यापार लगाओगे तो जीवन में कभी सफल नहीं होगे। व्यापार के लिए व्यापारिक बुद्धि रखो पर जीवन के हर क्षेत्र में व्यापार मत बनाओ। एक बार एक जगह बोली लगी, एक आदमी ने 5 लाख रुपए की बोली ली। लोगों ने उन्हें बधाई दी। उसका एक मित्र था जो उसकी हैसियत को जानता था। अकेले में उससे पूछा, भैया इतनी बड़ी बोली तुमने काहे ले ली? बोले तुम्हें पता नहीं 5,000 लोगों के बीच मैंने 5 लाख की बोली ली, लोग मुझे 5 करोड़ का आसामी तो मानेंगे। हमारे बेटियों का संबंध होना हमारे घर अच्छा रिश्ता आएगा, बेटों का संबंध होना अच्छा रिश्ता आएगा। अब दिख रहा है धार्मिक पर कर रहा है व्यापार। कई लोग हैं बड़ा गुना भाग लगाते, हर चीज में पहले देख लेते कि इसका रिटर्न क्या आएगा। गिव एंड टेक की जो प्रवृत्ति विकसित हुई है वो इसी व्यापारिक सोच का परिणाम है। हर चीज में लाभ देख करके आगे बढ़ने की बात बहुत अच्छी नहीं है। व्यापार में लाभ नुकसान देखो, घर परिवार में अच्छा और बुरा देखो। प्रॉफिट एंड लॉस और गुड एंड बैड, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों विचारनीय। जब व्यापार के लिए बैठो, अपने दफ्तर में बैठो, अपने दुकान में बैठो तो वहाँ अच्छा बुरा बाद में देखना, पहले प्रॉफिट और लॉस देखना। लेकिन घर परिवार की जब बात आती है तो वहाँ पर नफा नुकसान नहीं, अच्छे और बुरे की बात सोचनी चाहिए। चौथे नंबर तीसरे नंबर की सोच है व्यवहारिक सोच। व्यवहारिक सोच मनुष्य के जीवन व्यवहार को बहुत संयत और संतुलित बनाती है। ऐसे लोग दूसरों के हिसाब से अपना जीवन व्यवहार देखते हैं। और आजकल व्यवहारिक सोच का एक उथला रूप ये आ गया कि कुछ भी काम करने के पहले आप ये देखते हैं कि लोग क्या कहेंगे। ये व्यवहारिक सोच बन गई है।
लोगों के हिसाब से लोगों का सोचना व्यवहारिक सोच है, लोगों के बीच में मेरी कैसी छवि है इसे मेंटेन करके चलना व्यवहारिक सोच है। हालांकि ये सोच व्यवहारिक जगत में मनुष्य को काफी कुछ सफलता प्रदान कर देती है। ऐसे लोग व्यवहार कुशल व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं, और यदि हम शुद्ध शब्दों में कहें तो ऐसे लोगों को ट्रैक्टफुल माना जाता है। मैं इसे सर्वथा गलत भी नहीं कहता, लेकिन संत कहते हैं लोगों के बीच में मेरी कैसी छवि है ये सोच बड़ी उथली है, मेरी असली छवि कैसी है ये सोच असली है। लोग मेरे विषय में क्या सोचते हैं यह सोच व्यवहार है, और मैं असल में कैसा हूं यह सोच अध्यात्म है। चौथे दर्जे की सोच है आध्यात्मिक सोच, जो हमारे जीवन की उन्नति का आधार है। व्यवहारिक स्तर पर आप अपने सोच को दिशा देने में सफल हो। आप घर से बाहर निकलते हो तो सबसे पहले ड्रेसिंग टेबल पर खड़े होते समय क्या देखते हो? मेरा लुक कैसा है ना? मैं कैसा दिख रहा हूं? देखिए, अच्छा पाऊं ये हर व्यक्ति सोचता है, अच्छा दिखूं ये भी व्यक्ति सोचता है, अच्छा करूं ये भी व्यक्ति सोचता है। एक सोच अच्छा पाने की है, एक सोच अच्छा दिखने की है, एक सोच अच्छा करने की है, और एक सोच अच्छा बनने की है। कौन सी सोच है तुम्हारी? अच्छा पाने के लिए तो सब तैयार है ना? अच्छे से अच्छा मिले, अच्छा से अच्छा पाऊं, अच्छा दिखूं, उसमें भी कोई कसर नहीं छोड़ते। घर से बाहर निकलने के पहले अपने बाल संवारते हो, अपने कपड़े ठीक करते हो, है ना? अच्छा दिखना चाहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप खूब अच्छे दिखो, पर मैं इतना ही चाहता हूँ जितने अच्छे बाहर से दिख रहे हो भीतर से भी दिखो। तुम लोगों की दशा कैसी मालूम? किसी व्यक्ति की फोटो तो खूब अच्छी हो और एक्सरे खराब हो तो क्या होगा? क्या हो? फोटो तो बढ़िया, एक्सरे? बोलो भाई, थोड़ा जोर से तो बोलो, क्या हो गया? सुनते रहे हो? फोटो तो तुम लोग बहुत अच्छी दिख रही है ना? तो भैया, जितना तुम अपने फोटो को संवारने के लिए तत्पर होते हो, उतना ही अपने अंतस्करण को सुधारने का भी प्रयत्न करो। कदाचित फोटो खराब हो जाए, फोटो बिगड़ जाए, कोई चिंता मत करना, एक्सरे ठीक होना चाहिए, जिंदगी सफल हो जाएगी। जब आपको कहीं चोट लगती है, खून आ जाता है, पूरा हाथ पांव बिल्कुल टूटे फूटे से दिखते, रक्त रंजित होते हैं, और जब आप एक्सरे कराते हो या MRI या CT स्कैन कराते हो तो कहते नहीं ठीक है, अंदर की कोई इंजुरी नहीं है, ठीक है, कोई फ्रैक्चर नहीं है, चलो भाई 2-4 दिन में घाव ठीक हो जाएगा, करते हो कि नहीं करते हो? हाँ, और ऊपर से चोट बिल्कुल नहीं आई और अंदर फ्रैक्चर हो या कोई इनर इंजुरी हो तो माथे पे बल पड़ने लगता, भैया क्या करे, है ना? तो भाई मैं यही तो आपसे कह रहा हूं, अंदर में मैं कैसा हूं मुझे ये देखना है। उस सुधार की प्रक्रिया को प्रारंभ करना है, और ये तभी संभव होगा जब मेरी सोच आध्यात्मिक बनेगी। आध्यात्मिक सोच के धनी बनिए,
जिससे हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सके। आज से लक्ष्य बनाइए अच्छा बनने का, अच्छा बनने का। अच्छी सोच रखेंगे तो हम अच्छा बनेंगे। जीवन में अध्यात्म को प्रतिष्ठापित करने की कोशिश हमारी होनी चाहिए। जिस मनुष्य के जीवन में अध्यात्म जुड़ जाता है, जिसकी सोच आध्यात्मिक बन जाती है, उसके जीवन में चाहे जितने उतार चढ़ाव क्यों ना हो, ठहराव बना रहता है। और जिसकी सोच में आध्यात्मिकता नहीं होती, उसका जीवन तो उथल पुथल से जुड़ा रहता है, भरा रहता है। अपने अंदर के उस उथल पुथल को मिटाना चाहते हो तो अपनी सोच में अध्यात्म की प्रतिष्ठा रखो। आध्यात्मिक सोच का धनी होने का मतलब क्या है, आपने कभी समझा? मेरी सोच आध्यात्मिक है या नहीं, इसे कैसे जानेंगे? कसौटी बता दूं? हाँ, ऐसे लोग तो अपने आप को आध्यात्मिक ही मानते हैं, लेकिन मेरी सोच आध्यात्मिक है या नहीं, इसे जानने के लिए चार बातें आज आप सबको दे रहा हूं। और वो चार बातें यदि तुम्हारे जीवन में उद्घाटित हो गई तो जिंदगी में कभी भी तुम दुखी नहीं होगे। सबसे पहला, जिस मनुष्य की सोच आध्यात्मिक होती है वो संयोगों को नश्वर मानता है। पहली बात क्या है? संसार के सारे संयोगों को नश्वर। संसार की नश्वरता का बोध तुम्हारे अंदर है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारा ये ठाट बाट, तुम्हारा ये धन वैभव कितने दिन का है, कितने दिन का है? जिनके पीछे तुम रात दिन लगे रहते हो, जिनके पीछे तुम पागल होते हो, जिनके संरक्षण और संवर्धन में अपना सारा समय और शक्ति खपाते हो, वो कितने दिन की? बोलो। आ? कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी गारंटी में लगे। जिस व्यक्ति की सोच आध्यात्मिक होती है वो सोचता है, भाई ठीक है, ये मेरे पास है, जब तक मैं इनका उपयोग कर लूं, लेकिन ये कब तक टिकेंगे इनका कोई पता नहीं है। पहली बात, ये नश्वर है। जब तक समय अनुकूल है सब साथ है, समय बदलते ही सब कुछ बदल जाएगा। इनमें अभिमान और आसक्ति दोनों मेरे अज्ञान की परिणति है। किसका अभिमान करूं, किसकी प्रति में आसक्ति रखूं, सब पल में विलीन होने वाला है। ये बात अंदर बैठनी चाहिए। आप लोग इस बात को मानते तो हो, पर कब? जब किसी दूसरों को उपदेश देना हो तब, है ना? खुद पर बीतती है तब सब भूल जाते हो। संत कहते हैं अंदर से ये बात गहरे में बैठ जानी चाहिए, गहरे में बैठ जानी चाहिए, ताकि हम अपने जीवन के मूल को समझ सके, जीवन के मर्म को समझ सके और उसी अनुरूप अपने जीवन को दिशा दे सके, गति दे सके। ये प्रयास हमारा हो। हमने सबको शाश्वत मान रखा है, जबकि कुछ भी स्थायी नहीं है, टिकाऊ नहीं है। अगले श्वास का भी भरोसा है। कहते हैं सम्राट सिकंदर, जिसने 27 वर्ष की उम्र में विश्व विजय बनाने पाने करने का रिकॉर्ड बनाया, वह जब भारत से यूनान की ओर लौट रहा था, उसकी शरीर की स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई। उसने अपने परिचारिकों से कहा कि भैया, मेरी एक दिली तमन्ना है, किसी तरह मुझे मेरी माँ से मिला दो। मैं अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मेरी माँ से मुझे मिलने तक मुझे बचा लो। लोगों ने कहा, सम्राट आपके शरीर की स्थिति इतनी गंभीर है कि आपकी माँ तक आपको ले जाने की गारंटी नहीं ली जा सकती। सिकंदर ने कहा, मेरी माँ तक मुझे नहीं ले जा सकते तो कोई बात नहीं, माँ के यहाँ आने तक
मुझे बचा लो, मैं तुम्हें अपना आधा साम्राज्य दे दूंगा। तब कहा गया कि सम्राट आधा क्या, यदि पूरा साम्राज्य भी दे दो तो आपकी माँ के यहाँ आने तक आपको बचाने की गारंटी नहीं ली जा सकती। आधा क्या पूरा साम्राज्य भी दे दो तो आपकी माँ के यहाँ आने तक आपको बचाने की गारंटी नहीं ली जा सकती। तब सिकंदर के मुख से निकला, अब मैं चाहूं भी तो रुक सकता नहीं भाई, कारण मंजिल ही खुड्डी बढ़ती आती है। मैं जितना पांव बढ़ाने की कोशिश करता उतनी ही माटी और धसकती जाती है। मेरे अधरों में घुला हलाहल है काला, नैनों में नंगी मौत खड़ी मुस्काती है। है राम नाम ही सत्य, असत्य सब और कुछ, बस यही ध्वनि कानों से अटक रहती है। उसने कहा धिक्कार संपदा और साम्राज्य को, जिसके पीछे मैंने अपने जीवन की सारी सांसें खपा दी, आज उन्हें दांव पर लगाने के बाद भी वो मुझे चंद सांसों के लिए बचाने में समर्थ नहीं है। काश मुझे इसका पहले पता लग जाता। उसने कहा मैं मरूंगा, मुझे मरने का कोई गम नहीं, बस तुम सबसे एक निवेदन है कि जब मैं मरूं और मेरे मरने के बाद तुम लोग मेरा जनाजा उठाओ, तो एक काम करना, मेरे दोनों हाथ जनाजे से बाहर निकाल देना। बोले जनाजे से हाथ का बाहर निकालना तो कायदे के विरुद्ध होगा। बोले हां, सिकंदर का जनाजा कायदे के विरुद्ध उठेगा, ताकि दुनिया के लोग ये जान सके कि सारे कायदे कानून का उल्लंघन करके विश्व विजेता बनने वाला सिकंदर भी इस दुनिया से खाली हाथ जा रहा है। इस दुनिया से खाली हाथ जा रहा है। उसे तो समझ में आ गया था, है राम नाम ही सत्य, सत सब और कुछ, तुम्हें कब समझ में आएगा। आजकल लोग राम नाम सत्य मुर्दों को सुनाते हैं, जीते जी कोई नहीं समझना चाहता। काश हम इस बात को समझने की कोशिश करें, इससे हमारे अंदर एक आध्यात्मिक विकास होगा, आसक्ति घटेगी, अभिमान घटेगा। जीवन की नश्वरता को समझने का मतलब जीवन से हताश नहीं होना, अपितु अपने जीवन के प्रति जागरूक बन करके जीवन की को जितना अच्छा हो सके सुंदर बनाने का प्रयत्न करना। तो पहली बात, जीवन की नश्वरता को समझे। दूसरी बात, कर्म के सिद्धांत पर विश्वास करें। मेरे पास जो भी संयोग है वो मेरे अधीन नहीं है। किसके अधीन है बोलो? हाँ, कर्मों के अधीन है। विश्वास है पूरा तो फिर इतने हाथ पांव क्यों मारते हो? हाँ, पूरा विश्वास नहीं है, बस ये तो आप लोगों के सामने कह देते हैं महाराज। अंदर से विश्वास रखो, जीवन में कभी दुखी नहीं होंगे। हम पुराण पुरुषों के जीवन चरित को पलट करके देखें, जिनके जीवन में इतने बड़े बड़े झोंके आए लेकिन वे रंच मात्र विचलित नहीं हुए। अंजना के चरित्र को याद करो, पति के घर से ठुकराई जाने के बाद पिता का दरवाजा भी जब बंद हो गया तो कहां गई? जंगल की ओर चले गई। ले जा रहा है कर्म, जहां ले जाता है वहीं चलूंगी, कोई दिक्कत नहीं, मेरे कर्म का उदय है, मैं किनको दोषी ठहराऊं? अब जो खेल खिला रहा है कर्म, मुझे खेलना है, खेल लेंगे, आखिर बिगाड़ क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। और उस अंजना ने, जिसके पेट में हनुमान जैसे तद्भव मोक्षगामी कामदेव है, ऐसे महान पुण्यशाली आत्मा है, लेकिन उसके जीवन में भी ऐसी विपत्ति। जिस दिन अंजना गर्भवती हुई उसी दिन से उसके ऊपर विपत्ति आई, लेकिन वो विचलित नहीं हुई। किसके बदौलत? अपने आध्यात्मिक सोच के बदौलत। अगर अंजना की सोच आध्यात्मिक नहीं होती तो डिप्रेशन की शिकार हो गई होती, आत्महत्या कर ली होती, कहीं जाकर के कुएं में खाई में कूद गई होती,
और आज की अंजना होती तो डाइवोर्स का पेपर तैयार कर ली होती। लेकिन वो अंजना जिसके अंदर अध्यात्म था वो जानती थी कि ये तो केवल निमित्त बन करके आए हैं, असली वजह तो मेरा कर्म है और इस कर्म को मैं हंस करके भी भोगूंगी तो भोगूंगी और रो करके भी भोगूंगी तो भोगूंगी। अगर रो करके भोगूंगी तो कर्म बंधेंगे और हंस करके भोगूंगी तो कर्म कटेंगे। मुझे कर्म बांधना नहीं, कर्म काटना है, ये सोच उसके अंदर थी। तुम अपने जीवन में जब कोई ऐसे दुह प्रसंग घटते हैं तो क्या सोचते हो? औरों को कोसते हो, परिस्थितियां का रोना रोते हो, मन्नत मानना शुरू करते हो, इधर उधर सिर पटकना शुरू करते हो, या अंदर से टूट करके डिप्रेशन के शिकार बन जाते हो, क्या होते हो? बोलो। हाँ, सब दाएं बाएं। यदि उस घड़ी तुम्हें तुम्हारे कर्म पर विश्वास हो जाए तो तुम अपने जीवन में आमूलचूल बदलाव ला सकते हो। अभी रतलाम में एक युवक मेरे पास आया, महाराष्ट्र का युवक था। उसने कहा, महाराज जी मैं अपने जीवन से हार चुका था, मैं अपने जीवन में हार चुका था और कुछ कर्जदार हो गया था। मैंने सुसाइड करने का मन बना लिया था, पर मेरे एक मित्र ने मुझे आपकी एक क्लिप भेजी और उसमें आपका एक प्रवचन था, प्रतिकूल परिस्थितियों में हम स्थिरता कैसे रखें। महाराज आपका एक वाक्य मेरे लिए संबल बन गया। आपने उस प्रवचन में कहा था कि कर्म की सत्ता से बड़ी धर्म की सत्ता होती है, मेरा वाक्य था उसमें। रात लंबी होती है, हो सकती है, पर शाश्वत नहीं होती। महाराज आपके इन वाक्यों से मुझे बड़ा संबल मिला और मुझे लगा कि ये कर्म का खेल है, आत्मा का तो कुछ बिगाड़ सुधार होना नहीं है, थोड़ा मुझे धैर्य रखना चाहिए। और मैंने उसी समय अपना विचार बदल दिया। महाराज जी विचार बदलते ही मेरे भीतर एक अलग प्रकार की ताकत सी आ गई। पहले मांगने वालों से मैं मुँह छिपाता था, जब यह स्थिति आई तो मैंने खुद से सबको बुलाया और अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि भाई मेरी नीयत साफ है पर मैं गलत नीति का शिकार बन गया, ओवर एस्टिमेट काम कर लिया, इसलिए आज मेरे ऊपर इतना बड़ा भार बढ़ गया है। जैसे जैसे मेरे पास पैसा आएगा आप सबका पाई पाई चुकाऊंगा, लेकिन अभी मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, पर मैं आप सबसे कहता हूँ मैं आप सबका पैसा दूंगा दूंगा और दूंगा, आप तब तक मुझे थोड़ा समय दें। व्यक्ति तो अच्छा था, उसके व्यक्तित्व से सब लोग परिचित थे, लोगों को भी लगा आदमी गलत नहीं है, लेकिन कभी कभी अच्छे आदमी भी गलत निर्णय के शिकार बन जाते हैं, परिणाम ऐसा आता है। और उसने अपना धर्म ध्यान बढ़ाया, समय को पलटने की कोशिश की और आकर के रतलाम में कहा, महाराज जी 2 साल में मेरी दुनिया बदल गई। जिस समय मैं इस बात के लिए आत्महत्या के लिए लग रहा था, उस समय मेरे पास 12 गाड़ियां थी और 5 करोड़ का कर्ज था। 12 गाड़ियां थी, 5 करोड़ का कर्ज था। लेकिन आज जिस दिन मेरी सोच बदली, आज महाराज जी मेरे पास 40 गाड़ी हो गई और 1.5 करोड़ का मात्र कर्ज बचा है। कैसे हुआ? बोला, महाराज जी पुण्योदय आया, एक बड़ी कंपनी में मुझे लिफ्टिंग का काम मिल गया, ट्रांसपोर्टेशन का, एक हिंडालको में ट्रांसपोर्टेशन का काम मुझे मिला और मैंने वहाँ काम करना शुरू कर दिया। मेरी स्थिति सुधर गई और मुझे कर्म सिद्धांत पर विश्वास हो गया पक्का कि कर्म कैसे खेल खिलाता है, कैसे चलाता है, कैसे गिराता है। इसी बोध ने मुझे स्थिरता दे दी। आपके जीवन में भी कभी कोई दुप्रसंग घटे तो उस घड़ी कर्म सिद्धांत पर विश्वास करना शुरू करो, उससे तुम्हारे अंदर धैर्य आएगा, संबल आएगा, साहस आएगा, शक्ति आएगी और तुम अपने जीवन की उस दुविधा को दूर करने में समर्थ हो सकोगे
और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कोई भी दुख प्रसंग, चाहे व्यापार व्यवसाय के हो, चाहे शरीर के स्वास्थ्य के हो, चाहे रिश्ते नातों के हो, चाहे अपने जीवन व्यवहार का और भी कोई प्रसंग हो, सामने वाले को कोसने की जगह कर्म सिद्धांत पर भरोसा रखना शुरू करो। ये सोच तुम्हें आध्यात्मिक बनाएगी और ऐसी दृष्टि से संपन्न व्यक्ति जीवन में कभी दुखी नहीं होगा। तो ये हमारी सोच में आए, कर्म सिद्धांत पर विश्वास, विधि के विधान पर विश्वास लेकर के चलना शुरू कीजिए। देखिए जीवन में कितना बड़ा बदलाव आता है। और नंबर 3, निमित्तों की तरफ देखना बंद करें। निमित्तों की तरफ हम ज्यादा देखते हैं, अरे उसने ऐसा करा दिया, उसके कारण ऐसा हो गया, उसके कारण ऐसा हो गया। हम हमेशा निमित्तों को कोसते हैं, जबकि हकीकत ये होती है कि हमारे जीवन में घटित प्रसंगों के पीछे सामने वाला जो दिखता है वो तो एकमात्र माध्यम बन कर के आया है, उसका असली कारण कोई और है। वो संयोग है, वो कर्म संयोग भी हो सकता है, अन्य संयोग भी हो सकता है। हमें मूल की तरफ दृष्टि दौड़ाना चाहिए, निमित्त की तरफ नहीं। लेकिन हमारी दृष्टि बार 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 निमित्तों की तरफ भागती है, और निमित्तों की तरफ भागती है तो हम निमित्तों पर आरोप जड़ते हैं। हमारी भाषा हमेशा आरोप की बन जाती है, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, ये उसकी वजह से हो गया, ये उसकी वजह से हो गया। ये दृष्टिकोण जब तक तुम्हारे अंदर भरे रहेगा तब तक तुम सुखी नहीं हो सकोगे। देखिए दो दृष्टि होती है, एक कुत्ते जैसी और एक शेर जैसी। कुत्ते पर कोई पत्थर मारता है तो कुत्ता पत्थर की तरह भागता है ना, अनुभव होगा। और शेर पर कोई गोली चलाता है तो शेर चलाने वाले की ओर लपकता है ना, है ना। अब थोड़ा देखो तुम्हारी दशा क्या है, तुम पत्थर की तरफ भागते हो या गोली की तरफ, हाँ तो मार खाते हो। जब तक वो पत्थर की तरफ भागता है तो दो चार पत्थर उस पर और पड़ जाते हैं। बस निमित्तों की तरफ भागना यानी कुत्ते की भांति पत्थर की तरफ भागना, और अपने उपादान को पहचानना यानी शेर की तरह गोली चलाने वाले की तरफ देखना और ये सोचना वो तो केवल निमित्त बन करके आया है, उसे क्या कोसना, वो तो एक निमित्त मात्र बन करके आया है। जीवन में स्वतः सहजता आ जाएगी और उसका एक अलग आनंद, उसकी एक अलग अनुभूति होगी जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। एक दृष्टिकोण अपने भीतर विकसित करने भर की देर है। आप थोड़ा हिसाब लगाना, सुबह से शाम होती है तुम्हारी भाषा कैसी होती, आरोप की रहती कि नहीं रहती, आरोप और प्रत्यारोप, इससे क्या मिलता है, शांति नहीं। अगर तुम्हारे अंदर आध्यात्मिकता आएगी तो तुम्हारी सोच में एकदम सरलता होगी। ठीक है कुछ हुआ है तो भी तुम उसे उसी रूप में लोगे। निमित्त को आरोपित करने की जगह निमित्त को सुधारने का प्रयत्न करोगे, निमित्त को जुटाने का प्रयत्न करोगे, आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। और चौथी बात जो एक आध्यात्मिक सोच के धनी की बात है वह है कर्ता बुद्धि से मुक्त होना, कर्तृत्व के अहंकार से अपने आप को बाहर निकालो। कोई भी कार्य हो रहा है तो मैं कर रहा हूं ये नहीं, मैं तो केवल निमित्त हूं, मैं कार्य का घटक हूं जनक नहीं हूं। जब तक मेरे अंदर यह बुद्धि रहेगी कि मैं करता हूं, मेरे अंदर का अहंकार मुझे भीतर से उद्वेलित करता रहेगा जो मेरे जीवन को दुखी बनाता है। वस्तुतः मनुष्य औरों के कारण दुखी नहीं होता, अपने अहंकार, अज्ञान प्रेरित अहंकार के कारण दुखी होता है। ठीक है मेरे निमित्त से कोई अच्छा हो, लोग उसे अच्छा कहे और उसका श्रेय मुझे दे, यह संभव है,
लेकिन उससे मैं अभिमानी बनूं ये मेरा अज्ञान है। उसका अभिमान मत करो, ठीक है जो हो गया सो हो गया। यह दृष्टिकोण अपने भीतर विकसित करो। तो महाराज क्या सबको छोड़ दूं? छोड़ने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, केवल उनमें जो अपनी पकड़ की बुद्धि बनी है उस बुद्धि को छोड़ो तो तुम्हारा जीवन निहाल होगा। अपने आप को आध्यात्मिकता से सराबोर कर पाओगे और अपने जीवन की दिशा सुनिश्चित कर सकोगे, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो हमारे भीतर वो अध्यात्म का आविर्भाव हो, आध्यात्मिक दृष्टि विकसित हो, जिससे मैं अंतर्मुख होकर के अपने भीतर के सारे समाधान जुटा सकूं और जीवन में व्यापक बदलाव ला सकूं, ये प्रयास हमारा होना चाहिए। तो सोच हमारे जीवन को उन्नत करती है, सोच से हमारे जीवन का पतन होता है। हम अच्छे सोच के धनी बनकर अपने जीवन को समुन्नत बनाने का सत्प्रयास करें। इस भाव के साथ आज पहला दिन है, सोच हमारी ठीक बननी चाहिए। अच्छी सोच होगी तो हम अच्छे बनते जाएंगे और अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। कल दो व्यक्तियों को बुलाया था, आज दो बच्चे आगे आ जाओ, दो बच्चे आ जाओ। यहाँ सामने आओ, एक दूसरे के सामने खड़े हो, हाँ कैमरे के पास आ जाओ। अंग्रेजी में कुत्ते को क्या बोलते बेटे? डॉग। डॉग की स्पेलिंग क्या होती है? उधर देख के बोलो, माइक दो तो थोड़ा इन। डी ओ जी डॉग है ना बेटा। डी ओ जी डॉग को पलट देते तो क्या होता है? पलट क्या होगा बोलो? गॉड। गॉड की स्पेलिंग क्या है? जी ओ डी गॉड। समझ में आई बात आपको? डी ओ जी डॉग को पलट दें तो जी ओ डी गॉड बन जाता है, और जी ओ डी गॉड को पलट दे तो डी ओ जी डॉग हो जाएगा। बस सीधी बात है, सीधी सोच रखोगे तो जी ओ डी गॉड बनोगे और उल्टी सोच रखोगे तो डी ओ जी डॉग बनोगे। ये आज के प्रवचन का पूरा सार है। अपनी सोच को सीधी सोच रखो, सीधी सोच बनाओ जो हमारी ज़िंदगी को सीधी बना सके और हम अपने जीवन को बेहतर बनाने में समर्थ हो सके। मंगल भावना के साथ मैं विराम लूँगा। अभी आगे के कार्यक्रम की जो औपचारिक पात्रों की औपचारिक चयन की व्यवस्था होनी है, तब तक आप सब लोग रुकेंगे। इस बीच मंगल भावना। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगल में होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगल में होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होए। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं ना हो। मन भी मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश औ
औ मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग देश औ मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल हो जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर क्षण हर पल की बात सुमंगल हो। जीवन की हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े सब जन में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव टले अमंगल भाव है प्रमाण की भावना है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव सद में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज। जय।